गुर्जर महोत्सव गुर्जर जाति की एक उत्सव है, महोत्सव के नाम से ही जाना जा रहा है ये। और ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे जो गुर्जर जाति के लगभग 13 स्टेट में हमारी बहुलता है, उन सब का संस्कृति, विरासत और इतिहास को दिखाने का प्रयास है। यहाँ लोकगीत, लोक नृत्य और हमारी जो रागनी है उनको, और हमारे कलाकारों की जो यहाँ जो कलाकृतियाँ हैं उनका प्रदर्शनी भी है। यहाँ हमने जो परंपरागत हमारी लोक नृत्य हैं और लोकगीत हैं उनको, और आज का जो नए ज़माने के जैसे रैपर हैं, उन सब का समावेश है। और जो हमारी 13 स्टेट के, अभी मैंने बताया कि उनका जो अलग अलग पंडाल बनाए जा रहे हैं यहाँ इसी मेला ग्राउंड में, और उन हर प्रत्येक पंडाल में उस स्टेट की रहन सहन, खान पान, वेशभूषा को दिखाने का काम है। हमारी इतिहास में जो हमारी ऐतिहासिक जर्नी है उसको दिखाने का है, हमारे जो महापुरुष हैं उनके बारे में जानकारी देने का है चित्रों सहित उनका, और हमारे समाज की जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में भी जानकारी है, और हमारे समाज के जो संस्थाएं हैं उनकी भी जानकारी हमें देना चाह रहे हैं यहाँ पे। और स्कूल के बच्चों का भी एक कार्यक्रम है, पेंटिंग का कार्यक्रम है हमने यहाँ रखा है, विचार गोष्ठी भी एक अलग से है प्रबुद्धजनों की। लेकिन ये मेला का कॉन्सेप्ट है टोटल, जो एक मेला होता है और हमारी गुर्जर जाति की विरासत को दिखाने का प्रयास है। लेकिन इसमें अन्य जाति को भी हम आमंत्रित हैं दर्शक के तौर पे कि वो आए और हमारी उस ऐतिहासिक संस्कृति से रूबरू हो वो, तो ये प्रयास है हमारा। यहाँ पुलिस प्रशासन को हमने लगभग एक महीना पहले NOC को अप्लाई कर दिया था, आज भी और कल भी हमारी दोनों दिन SHO के यहाँ मीटिंग हुई है, हमने उनको अपनी शंकाएँ भी जता दी थी, और पुलिस प्रशासन से हमें सहयोग मिल रहा है फिलहाल, उन्होंने कहा कि भी हम समुचित व्यवस्था करेंगे। उसके अलावा हमने अपने तौर पर सिक्योरिटी गार्ड्स रखे हैं, और इस ग्राउंड में सरकारी तौर पर CCTV नहीं है लेकिन हम अपने स्तर पर लगवा रहे हैं, और हमारे वॉलंटियर्स हैं 500 के आसपास हमारे वॉलंटियर्स हैं जो इसकी सारी देखरेख करेंगे। हमारे यहाँ फरीदाबाद में एक सेक्टर 16 में हमारा गुर्जर भवन है, और एक राजेश पायलट चौक पर गुड़गांव में हमारा गुर्जर भवन है। इन दोनों गुर्जर भवन में हमने अपने जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको रहने की और खाने की व्यवस्था की है। ये बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल समारोह है, और ये कोई गुर्जर जाति का सम्मेलन नहीं कह सकते, इसको एक उत्सव है, इसको उत्सव मना रहे, और यहाँ सभी धर्मों के गुर्जर और सभी जातियों से जुड़े, सभी विचारधारा से जुड़े यहाँ सभी गुर्जर आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई विशेष किसी विचारधारा या विशेष किसी पार्टी से है, हमने सभी को आमंत्रित किया है, और आमंत्रित भी हमने कोई निमंत्रण पत्र नहीं छपवाया है, केवल गुर्जर होने के नाते वो स्वयं ही हमसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, स्वयं भी आ रहे हैं। कितने लोग आ रहे हैं, कौन कौन आ रहे हैं, उनके नाम तो खुलासा कर दीजिए जी। नाम है, जैसे हमारे यहाँ जो हरियाणा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं कंवर पाल जी, और भारत सरकार में मिनिस्टर हैं हमारे कृष्ण पाल जी, हमारे दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष हैं रामवीर सिंह भदौरी जी, हमारे MPs और हमारे MLAs, और ये और नेता अभिनेता सभी इसमें आने का है उनका। जो हमारे युवा हैं वो इस वक्त खुद ही अपने आप में काम कर रहे हैं, आप हमारे पेजेस पे जाके देखिए, आप फेसबुक पे जाके देखिए, हजारों लाखों की संख्या में युवा डेली अपने आप को लाइव करता है, यहाँ मेले में आता है, अपनी सेल्फी लेता है और चारों तरफ उसका प्रचार प्रसार करता है। जैसे ही मैं अपनी प्रोफाइल खोलता हूँ तो मुझे देखोगे लगभग 200 लोगों ने तो उसको शेयर किया हुआ है, 200 लोग उसकी सेल्फीज़ लेते हैं, और हजारों लाखों की संख्या में युवा अपने फेसबुक और सोशल मीडिया पर, व्हाट्सअप स्टेटस पर लगातार इसका प्रचार प्रसार कर रहा है। ये कोशिश है समाज को एकजुट करने की, ये कोशिश है समाज की जो विरासत है उसको दिखाने की, ये कोशिश है समाज भविष्य में किस दिशा में जाएगा वो दिखाने की। यहाँ पे ये कोशिश रहेगी कि किसी भी पार्टी से, पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ आदमी है, किसी भी संस्था से जुड़ा हुआ आदमी, सबको इनवाइट किया है और सबको ये बताया कि 100% नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है। हम लोग यहाँ पे किसी पार्टी का, किसी विचारधारा का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे, यहाँ पे सिर्फ गुर्जर बरादरी का इतिहास दिखाएंगे, उनकी संस्कृति दिखाएंगे और उनके बारे में दर्शाया जाएगा। मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहता हूँ, तो मैं जब कभी भी सोशल मीडिया खोलता हूँ तो मुझे गुर्जर महोत्सव से अलावा मेरी वॉल पे कोई और पोस्ट नहीं दिखती। मुझे ऐसे दिखता है कि सारे दिन युवा सिर्फ गुर्जर महोत्सव के बारे में लिखते रहते हैं, सोचते रहते हैं, बहुत उत्साह दिख रहा है उनमें,
और क्या लेके जाने का सवाल है, तो हम ये कहते हैं कि उनको फ्यूचर क्या हो वो भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। और हमारी एकजुटता अगर पूरा देश और राजनीतिक पार्टियां देखेंगी तो शायद हम कहीं ना कहीं सरकारों को भी एक बहुत बड़ा मैसेज दे पाएंगे। आज बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सरकार हमें दूर रखा हुआ है सरकार ने, शायद उसके बाद वो सरकारें भी चौकन्नी हो जाएं और हमारी एकजुटता देख के वो भी हमसे बात करने या हमारे बारे में सोचना शुरू कर दें। गुजर बिरादरी में, गुजर जाति में आप कश्मीर में देखेंगे तो मुसलमान गुजर हैं, उसके बाद थोड़ा आप नीचे आएंगे हिमाचल में आएंगे तो बड़ गुजर हैं वहाँ पर, उसके थोड़ा नीचे आएंगे पंजाब में आएंगे तो सिख गुजर हैं वहाँ पर, ईसाई गुजर हैं वहाँ पे। तो ये गुजर तो 100% ना तो किसी सामाजिक ताने बाने को ख़राब करता है वहाँ, और इस मेले में, इस उत्सव में तो सभी गुजर आ रहे हैं, जो मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। तो इससे अच्छा तो कोई सामाजिक सौहार्द का और सामाजिक भाईचारे का कोई संदेश ही नहीं दे सकते, ये गुजर महोत्सव से हम देंगे। कहीं ना कहीं हमारा समाज जो है सारी सरकारों ने बहुत नेग्लेक्ट किया है, उसको बहुत दबा के रखा गया, तो ये महोत्सव का उद्देश्य ये है कि अपने समाज की युवा पीढ़ी को, अपने समाज को जागृत करने का है। और ये महोत्सव हम लोग हर साल प्रयास करेंगे और अच्छे से धूमधाम से मनाएंगे। सूरजकुंड में 23 और 24 दिसंबर को जो ये महोत्सव होने जा रहा है, इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भी तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन है, ये दिल्ली से बिल्कुल नज़दीक है, 1 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ से आने जाने के लिए बहुत सारी बसेज भी हैं, बहुत सारे ऑटो रिक्शाज चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आने जाने की किसी को कोई दिक्कत होगी। तो मैं सभी साथियों से अपील करता हूँ कि यहाँ पर भारी संख्या में आइए। दूसरा, यहाँ पर गाड़ियों की और मोटरसाइकिल की पार्किंग के लिए भी हजारों गाड़ियां और हजारों मोटरसाइकिल खड़ी हो सकती हैं, उसके लिए भी पर्याप्त जगह है।